सर, मेरा पहला सवाल ये है कि निर्मल वर्मा की कहानियों में कला और पॉलिटिक्स के बीच में एक गैप दिखता है सर, कि जैसे उनकी काफ़ी कहानियों में पॉलिटिक्स उतना दिखता नहीं जितना साइकोलॉजिकल या कोई मिस्टिक सिचुएशन दिखता है उनकी। जो जो उन्होंने कहानी एमरजेंसी पे भी लिखी थी, रात का रिपोर्टर, उसमें भी पुलिस टॉर्चर या स्टेट सर्वेलेंस वो कम दिखाया गया है, और जो जर्नलिस्ट है उनका जो साइकोलॉजिकली जो उनको अफेक्ट करता है उसके बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है सर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी उनके लिए आर्ट और पॉलिटिक्स का रिलेशनशिप क्या था, क्योंकि पर्सनल लाइफ में भी उन्होंने सोवियत यूनियन का जो एग्रेशन हुआ था चेकोस्लोवाकिया में, उसके उनके अगेंस्ट तो उन्होंने काफ़ी लिखा है। लिखा है। तो पर्सनल लाइफ में तो सर वो काफ़ी पॉलिटिकल रहे हैं, लेकिन उनकी कहानियों में उतना वो दिखता नहीं। तो सर आप उसके बारे में अगर कुछ बता सके। ये निर्मल वर्मा की एक विशेषता यह है कि वो एक बड़े बौद्धिक लेखक है और राजनीति को भी गहराई से वो अपनी चेतना में धारण कर चुके हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें उनके लेखन में व्याप्त हैं। ये क्षमता विरल क्षमता है उनके भीतर। जैसे आप उनकी कहानियों को पढ़िए तो कहीं बौद्धिक विमर्श नहीं, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस नहीं, लेकिन फिर भी हवा भी बहती है तो लगता है उसमें एक इंटेलेक्चुअल कंपन है। यानी पूरा माहौल, पूरा वातावरण बहुत इंटेलेक्चुअल है। और पॉलिटिक्स में तो जैसा आपने बताया कि पॉलिटिक्स में तो वो शुरू शुरू में फंसे ही हुए थे, तो मार्क्सवादी भी रह चुके, मार्क्सवादी रहे कार्मल में हैं, काम कर राजा रहे पार्टी मेंबर रहे हैं जी। और इसी कारण वो गए बाहर और अनुवाद करने के लिए गए थे। तो पॉलिटिक्स भी उन्होंने देखी थी और अंग्रेजी में नहीं, उन्होंने हिस्ट्री में एमए किया था, लेकिन वो उनका जो अध्ययन है वो भारतीय साहित्य उतना नहीं है बल्कि बहुत मामूली है। उनका अंग्रेजी और अंग्रेजी के माध्यम से दूसरे साहित्यों का अध्ययन है। तो एक तरह से वो आप कह सकते हैं कि हिंदी में वो एक पश्चिमी किस्म के, पश्चिमी नहीं कहूँगा मैं, पश्चिमी किस्म के बौद्धिक लेखक हैं। और इसकी तुलना मैं करना चाहूँ तो जैनेन्द्र से करूँगा, आज्ञे से नहीं। आज्ञे के मुकाबले जैनेन्द्र बड़े लेखक थे और बड़े जेन्युइन लेखक थे और वो बौद्धिक लेखक थे। उनकी कहानियों, उनके उपन्यासों में बौद्धिकता व्याप्त है। और जो भाषा है जैनेन्द्र की सजेस्ट करते हैं जरा जरा एक एक वाक्य में, वो जैनेन्द्र एक वाक्य में जो कह देंगे दूसरे लोग एक पैराग्राफ में नहीं कर पाए। उसे निर्मल ने इनहेरिट किया है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैनेन्द्र के बाद उसी तरह की सक्षम और व्यंजक भाषा लिखने वाले पहले लेखक माने जाएंगे, हमारे पहले लेखक नहीं मतलब बहुत ही सक्षम लेखक माने जाएंगे। मैं निर्मल को
आगे से ज्यादा महत्वपूर्ण लेखक मानता हूं, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। उन्होंने कला का जोखिम में भी जिस तरह से सवाल उठाया जी, वो अद्भुत सवाल है। उस तरह से अंग्रेजी जी ने नहीं सवाल उठाया। तो अब पॉलिटिक्स को उन्होंने जिस तरह से देखा, वो यूगोस्लाविया का जी, वो यूगोस्लाविया का है मामला, क्या कौन सा था, चेकोस्लोवाकिया में है, चेकोस्लोवाकिया, हाँ जी, चेकोस्लोवाकिया के वाला जो मामला है, उससे वो बहुत आंदोलित थे, बहुत आंदोलित थे। और व्यक्तिगत रूप से भी मैंने उस समय भी उनको देखा था, वो बहुत परेशान थे, पीड़ित थे, व्यथा थी। तो वो कोई वो व्यथा जो थी वो झूठी नहीं थी, जेन्युइन लगती थी। तो ऐसा उन्होंने पाया कि ये जो पॉलिटिक्स है, खास करके जो जो मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स है, वो आदमी को कहीं विघटित करती है, सब ह्यूमन बनाती है। तो किस तरीके से सर सब ह्यूमन है, किस तरीके से सर सब ह्यूमन, कैसे सब ह्यूमन का जो सब ह्यूमन इस अर्थ में कि आप में जो किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी व्यक्ति में जो क्षमताएं हैं, जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को उन दिशाओं में नहीं जाने दिया जाता जो जो उनका अपना हो सकता है, अपना कंट्रीब्यूशन हो सकता है जी, बल्कि वो उनको एक ऐसी दिशा में ले जाते हैं जो उनके पॉलिटिकल एम्बिशन या उनके पॉलिटिकल इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं। तो इसलिए उन्हें लगा कि जो पॉलिटिक्स है वो खास करके जो लेफ्ट पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं डीह्यूमनाइज करते हैं जी। और ये चीज़ ऐसी है जो जिसको मैंने कहा कि ये फैशन में नहीं, उन्होंने कहा था, उन्होंने अनुभव किया था। इसलिए उनकी जो कहानियाँ हैं और उनका जो भी लेखन है वो पाखंड नहीं लगता, या आधुनिकता का या एंटी मार्क्सिज्म का कोई ऐसा टेक्स्ट जो झूठा हो, ऐसा नहीं लगता। अच्छा, दूसरी बात ये कि फिर उनके सोच में आया कि ये जो कला है वो हमेशा एक जीवन के समानांतर एक दुनिया देती है। कला कला और जीवन का ऐसा संबंध नहीं है, वो मानते हैं कि जो एक दूसरे में घुसते रहें और उनके उनके जो भी संघर्ष और समस्याएं हैं उनको उनको ही प्रस्तावित करते रहे अपने कला में, वो नहीं मानते थे। उनका कहना है कि ये जीवन से ही लेगा चीजें, तो जीवन से ही आएंगे, लेकिन वो समानांतर होगा, जीवन के समानांतर होगा। अब इस कारण जो उनकी कहानियाँ जो होती हैं थोड़ी वायवी होती हैं, लेकिन सच्ची होती हैं। वायवी समझ रहे हैं, जो मतलब रियलिटी से थोड़ा दूर हो लेकिन फिर भी सच्ची होती है। तो सच्चा होने के लिए यथार्थ ही जरूरी नहीं है,
वायव्यता भी सच्चाई को व्यक्त कर सकती है। तो अब इसके लिए वो जिंदगी भर ऐसा ही लेखन करते। इसमें और कुछ पूछना है जी सर? तो सर अब इसी से वही इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न था कि अब जैसे आपने बोला कि वो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से आती थी, लेकिन कला और हिस्ट्री को पीछे छोड़ सकती है, जो हाँ। उसी कॉन्टेक्स्ट में रहना जरूरी नहीं है कला के। हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सर जैसे जयदेव सर ने जैसे कहा था कि इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि निर्मल वर्मा की कहानियों को एक यूनिवर्सलिज्म के एंगल से लोग देखने लगते हैं, या बोलते हैं कि ये थोड़ा मेटाफिजिकल हो रहा है, और इस मेटाफिजिक्स में कोई इंडियन कॉन्टेक्स्ट को वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि जो कॉन्टेक्स्चुअल जो प्रॉब्लम था इंडिया में, चाहे वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम क्या है, या मटेरियल प्रॉब्लम्स क्या है, या इन सब चीज़ों को वो ज़्यादा देखते नहीं है, वो यूनिवर्सल और मेटाफिजिकल आइडियाज़ में ज़्यादा सोचते हैं, और वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने एक प्रॉब्लम हो सकता नहीं, ये प्रॉब्लम है। और मैं उनके इस दृष्टिकोण को, उनकी इस बात को बहुत दूर तक मैं सहमत हूँ, क्योंकि जो हमारे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं, जो हमारे लिटरेरी टेक्स्ट हैं इंडिया, उनको पढ़ा तो था नहीं। अच्छा, और अगर थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा तो अंग्रेजी में पढ़ा होगा। तो अब लैंग्वेज अपने आप थोड़ा थोड़ा मोड़ा दिमाग बदल देती, तो इसलिए वो बाद में जाके सीधे इंडियन कॉन्टेक्स्ट से जुड़ने के लिए वो कुंभ मेले में जाते हैं, कुंभ मेले पर लिखते हैं, जो एक बहुत बड़ा धार्मिक मेला हमारा होता है, और उनकी जो कहानी है जिस पर मैंने बात की है, क्या नाम है कहानी, कौवे और काला पानी, कौवे और काला पानी में जो सहजी बाबा है वो एक विचित्र किस्म का अव्याख्य सन्यासी है, एक अव्याख्य से माहौल सहजी बाबा के आसपास क्रिएट होता है। तो अब वो उन्होंने एक एक मिस्टिक वायुमंडल को मान लिया है कि ये इंडियन है, और इस तरह का एक करेक्टर उन्होंने क्रिएट किया, जबकि मिस्टिसिज्म सूफिज्म नहीं, अरे मतलब हिंदुस्तान में मिस्टिसिज्म बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक समुदाय दार्शनिक स्कूल नहीं मिस्टिसिज्म का, सन्यासी लोग होते रहे हैं अलग बात है, क्योंकि कोई भी फिलोसॉफिकल स्कूल मिस्टिक नहीं, भगवान है, आस्था है, और वो अव्याख्येय है, ये भी चीज़ें हैं, भगवान अव्याख्येय है, लेकिन उस अव्याख्येय भगवान को अवतार में भी बदल दिया है, अवतारवाद जो इन लोगों का है, जन्मांतरवाद है, अवतारवाद है, ये कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट सिचुएशन में बदलता है, जिनको हम नहीं जानते हैं उसको कॉन्क्रीट सिचुएशन में बदलता है। तो जो भारतीयतावाद है
वो इसमें अधिक है। जो जो वो है क्या कहते हैं रहस्यवाद, रहस्यवाद तो कभी कभी थोड़ा बहुत, कभी कभी नहीं थोड़ा बहुत वेद में, अरे वेदांत, हाँ वेदांत में है, योगियों में है, सन्यासियों में। तो योगियों और सन्यासियों का साहित्य, अब मैं आपसे ही पूछूं कि आप किसी को जानते हैं योगी सन्यासी जो साहित्यकार हो? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जो योगी सन्यासी हैं वो उनकी साधना बहुत बड़ी रही है, नाथों की, सिद्धों की, ये सब सन्यासी थे। और दूसरे धर्मावलंबी भी हमारे हिंदू धर्म में भी, हिंदू धर्म का कहे सनातन धर्म, और इसके अलावा जो बौद्ध धर्म है उसमें भी सन्यासी तो हैं, बौद्ध और जैन में सन्यासी हैं। लेकिन सन्यासियों का जो काव्य है, अब जैसे देखिए सिद्धों में सरहपा वगैरह जो हैं, सिद्ध संप्रदाय के, नाथ संप्रदाय के सन्यासी हैं, अच्छा कुछ अच्छा लिखा है, लेकिन इनके बारे में राय अच्छी नहीं रही है। और तुलसीदास ने भी लिखा है कि क्या नाथ, ये गोरखनाथ के बारे में, गोरख जगायो जोग भगायो भगति भगायो लोग, गोरख ने जोग जगाया और भक्ति से लोगों को भटका दिया। तो भारतीय परंपरा में जो सन्यासी, जिन लोगों ने काव्य लिखा, उनका हमारी परंपरा ने उनको हाशिए पर ही रखा। अब ठीक है कि उनमें कुछ ऐसी बातें बाद में देखी गई हैं, राहुल जी ने देखी, जिसमें ये था कि वो अवर्णों को, जो निचली जात के लोग हैं, उनके जीवन से जीवन को महत्व देते थे। तो सन्यासी को तो सनातन धर्म ही में महत्व देता है। जो सन्यासी हो गया वो ये नहीं देखता कि किसके हाथ का छुआ पानी है, किसका कौन खाना दे रहा है, सन्यासी के लिए सभी बराबर। तो अब सन्यास की हमारी परंपरा में कोई विशेष स्थिति नहीं रही। हालांकि आधुनिक युग में जो सन्यासी रहे हैं, कुछ सन्यासी, उन्होंने स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी, स्वामी सहजानंद, स्वामी सत्य प्रकाश, स्वामी जो रामचंद्र बाबा, जो रामचरित मानस की पंक्तियाँ गा गा करके और जनता को जगाते थे स्वाधीनता की, कहा आनंद मठ में भी थोड़ा है, आनंद मठ में भी थोड़ा दिखता है सर वो। हाँ, आनंद मठ में तो है, ठीक है। तो वो सन्यासियों का जो है प्रयत्न, वो पॉलिटिक्स से जुड़ गए, वो पॉलिटिक्स से जुड़ा है। और पॉलिटिक्स, मैंने तो वो जगह भी देखी है बंगाल में, जहाँ आनंद मठ में वो सन्यासी छिपते थे, शांति निकेतन से करीब 6-7 किलोमीटर दूर जा करके, वो है वन है अभी भी, अभी घना जंगल, तो वहाँ छिपते थे। तो इन सन्यासियों का रोल पॉलिटिकल हो गया था वहाँ, और पॉलिटिकल रोल होगा तो हिस्टोरिकल होगा, वो कभी मिस्टिक नहीं हो सकता। तो सामान्यतया जो भारतीय मानस है वह बहुत ज़्यादा रहस्यवाद में भरोसा नहीं करता, करता है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर, हाँ, ये जो जैसे मैंने अभी कहा था कि जिस लेफ्ट पॉलिटिक्स को, जिस लेफ्ट पॉलिटिक्स से वो इतने पीड़ित और क्षुब्ध हुए थे,
वो जेन्युइन था, वो पाखंड नहीं था। उसी तरह से जो भारतीयता है जिसमें सहजी बाबा आता है कौए और काला पानी में, वह भारतीयता और वह रहस्य जेन्युइन नहीं है। मुझे लगता है कि वो उसके जेन्युइन होने का प्रमाण मुझे नहीं मिलता। ठीक उस तरह से जैसे कि पॉलिटिक्स कैसे या लेफ्ट पॉलिटिक्स कैसे डीह्यूमनाइज करती है, ये उनका जेन्युइन एक्सपीरियंस होता है, तो इसलिए वो पाखंड नहीं है। लेकिन संन्यास इनका जेन्युइन एक्सपीरियंस है ये मुझे नहीं लगता, और इसलिए वो एक तरह से पाखंड, उसको पाखंडी हम कह सकते हैं। एलिनेशन, सफरिंग, इंडिविजुअलिज्म, ये सब उस व्यक्तिवाद के लक्षण नहीं है। जब व्यक्तिवाद हिस्टोरिकली प्रोग्रेसिव था, समाज को बदलने वाला था, जब तक जो इंडिविजुअल या जो इंडिविजुअलिज्म समाज को बदलने में भूमिका निभाता है, यानी उस कैपिटलिज्म को देती है कि कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट है, वो कैपिटलिज्म मेडिवलिज्म को बदलता है, मेडिवलिज्म को बदलता है, तो मेडिवलिज्म को बदलने में वो ज़्यादा ह्यूमन होता है। इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल की भूमिका मनुष्य को अधिक प्रामाणिक बनाता है, लेकिन वो मनुष्य जो है वो जुड़ा हुआ है सोसाइटी से, एग्जिस्टेंस से। और जहाँ तक निर्मल और बहुत दूर तक आगे भी, जहाँ तक इंडिविजुअल को सोसाइटी से उभरता हुआ दिखा पाए और उसी में उनकी एक सिग्निफिकेंस ढूंढते हुए आदमी को या इंडिविजुअल को दिखाते हैं और रहस्य में नहीं ले जाते, वहाँ वो उनको योग्य, यानी फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि इंडिविजुअल फ्रीडम एब्सोल्यूट वैल्यू ना बने। अगर आप हिस्ट्री में भरोसा रखते हैं तब एब्सोल्यूट वैल्यू बनने के बाद हिस्ट्री खत्म हो जाती है और फ्रीडम भी खत्म हो जाती है। अरे खत्म हो या ना हो, लेकिन वो कहाँ चली जाती है? आत्मा का एक ऐसा इलाका जिसमें एक साइलेंस जोन होता है, ये डिफाइन नहीं होता, और डिफाइन नहीं होता तो गड़बड़ है। हम तो चाहेंगे, मतलब जो नहीं डिफाइन होता उसके बारे में ये माने कि डिफाइन हो सकता है, तब तो मुझे एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो नहीं डिफाइन होता उसको ये मान लें कि ये अनडिफाइनेबल है, ये डिफाइन हो ही नहीं सकता। जैसे मान लो ईश्वर डिफाइन नहीं हो सकता, पूरी तरह कभी डिफाइन नहीं हो सकता। तो इसलिए जो मॉडर्निटी है वो ईश्वर पर सवाल तो लगाती ही लगाती है, जो अगर सवाल न लगाए तो मॉडर्न नहीं हो सकता। क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि मतलब जो डिफाइन हो सकती हैं चीज़ें, जो इंटेलेक्ट से, ह्यूमन माइंड से, साइंटिफिक माइंड से डिफाइन हो सकता है, वो ज़्यादा मूल्यवान है। तो ये फ्रीडम ऐसा लगता है
उन्होंने जो लिखा कि वहाँ तक बिल्कुल सही है, निर्मल उन्होंने लिखा है कला का जो कि समस्याएं इतिहास पैदा करता है और आदमी उन समस्याओं से प्रभावित होता है, उन समस्याओं की मार खाता है, लेकिन इतिहास समस्या पैदा करके चला जाता है और उन समस्याओं का जो जवाब है वो इतिहास से नहीं मिलता। उन समस्याओं का जवाब किससे मिलता है ये भी नहीं बताया आपने। उन समस्याओं का जवाब आत्मा का एक साइलेंस जोन है उसमें मिलेगा। अब यही आत्मा का जो साइलेंस जोन है ये समझ में नहीं आता। ये हो सकता है कि आत्मा का साइलेंस जोन के बारे में उनके उनकी धारणाएं ठीक हों, लेकिन मुझे उसके लिए कोई आर्गुमेंट नहीं मिला है। हाँ, आत्मा के बारे में जो अगर ये धारणा हो उनकी कि इंडिविजुअल या व्यक्ति की आत्मा ये प्रोटीन सेल्फ ने बदलने वाला सेल्फ बदलता रहता है, एक जो प्रोसेस रहता है, प्रोसेस है, तो मैं तुरंत मान लूंगा क्योंकि बदलेगा कैसे आदमी, बदलेगा इस बात को तो प्राचीन दर्शन भी मानता है, चेंज होता है, लेकिन वो उसको मानते हैं कि ये चेंज जो है वो क्षणिक है, लेकिन और मीनिंगफुल भी नहीं मानते। लेकिन आधुनिकता ये मानती है कि चेंज एंड कंटिन्यूटी, ये आधुनिकता का सूत्र है कि बदलता है और कंटिन्यू रहता है, तो इसके मतलब कि बदलते हुए ये ठीक जैसे बाप का बाप और बेटे और उसके बेटे और उसके बेटे के बीच जो एक कंटिन्यूटी होती है और हर पीढ़ी में जो एक परिवर्तन होता है उसके बीच दिखाई पड़ता है, इन दोनों को धारण करती है मॉडर्निटी। लेकिन लेकिन जो उत्तर आधुनिकता है वो तो धारण नहीं करती, मैं उनको उत्तर आधुनिक नहीं मानता, उत्तर आधुनिक वो हैं भी। तो अब ये है कि उन्होंने जो आत्मा का साइलेंस जोन कहा है इसको अगर कहीं डिफाइन किया होता तो हम उस पर विचार करते हैं, लेकिन हम तो उस आत्मा को जानते हैं जो हम लोगों का आधुनिक माइंड है वो उस आत्मा को जानता है जो आध्यात्मिक नहीं है। वो आत्मा है, वो एक ऐसी इनरनेस जो परिवर्तन के बीच में मनुष्य दुख सुख संघर्ष उठाते हुए जो जो एक सार बनता है, हाँ, उसको हम आत्मा कहते हैं और वो परिवर्तित होता है आगे, हम उसे मानते हैं। तो यहाँ निर्मल जी उस बात को नहीं मानते, हमारा और उनका हो सकता है कि पॉइंट पर मतभेद। आपके चैप्टर में आपने ये लिखा था कि निर्मल वर्मा एक जैसे लिख रहे हैं, तो उन्होंने शुरू किया था लिखना 1959 में और 2000 में लिखा अंतिम आरण्य, तो सर आपका क्या मानना है कि कोई परिवर्तन आया है या वो जो एक जैसे लिखते हैं उन्हीं में उसी में कुछ महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है? निर्मल वर्मा और निर्मल वर्मा जैसे लेखकों का इनकी जो उपलब्धि है एक स्तर पर एक सामाजिक सच्चाई से पैदा होती है। हमारे समाज में स्वाधीनता के बाद हमारे समाज में तेजी से परिवर्तन हो रहा था और परिवर्तन ये हो रहा था कि नौकरी पेशा समाज बढ़ रहा था, नौकरियां जब उन लोग स्वाधीन हुए थे 30 करोड़ की आबादी थी, नौकरी पेशा समाज बढ़ रहा था और नौकरी पेशा समाज में
ये होता है कि पति और पत्नी गांव में है या पत्नी एक शहर में है और पति को दूसरी जगह नौकरी मिल गई तो अकेलापन आ जाए। और इसके अलावा मान लीजिए अपनी पत्नी को भी ले जाता, परिवार को भी ले जाता है, जैसे आगे की एक कहानी में रोज जिसका जिक्र कर रहा था कि उसका उसमें जो पति है महेश्वर वो अपनी पत्नी को डॉक्टर है पहाड़ी एक पहाड़ी इलाके में उसका ट्रांसफर होता है और वहाँ बड़ा एक तो अकेलापन है, समाज कम है और अलग है और प्रकृति का अकेलापन अलग से, समाज का कटा हुआ अकेलापन अलग से, तो रियल है। तो समाज में जो एक तबका नौकरी पेशा मध्यवर्गी समाज अपेक्षाकृत परिमाण में ज्यादा बढ़ता है और उसका जो अकेलापन है उसके व्यक्तियों में, स्त्रियों और स्त्रियों और व्यक्तियों में सभी प्रकार के व्यक्ति उनमें अकेलापन होता है, तो अकेलापन उनमें नहीं होगा जो सारा परिवार अगर खेती करता है तो खेतिहर समाज में अकेलापन नहीं होगा, लेकिन नौकरी पेशा समाज में अकेलापन आ सकता है। तो ये अकेलापन वेस्ट के ये जो अस्तित्ववाद है उसके जैसा है, वैसा हो या ना ये मैं नहीं कह रहा कि वही है, लेकिन उसके जैसा है। और वो अकेलापन और वो अजनबीपन उसकी जो बेचैनियाँ हैं वो एक सीमा तक जेन्युइन मानी जाती। मेरा अपना मानना है कि हमारे समाज में जो परिवर्तन आया नौकरी पेशा समाज का उसमें उसके ये विशेष लक्षण मुझे दिखाई देते हैं। तो ये तो हमारे सबसे बड़े प्रगतिशील कवि मुक्तिबोध उनमें भी है, वो मार्क्सवादी हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा अकेलापन है वह हमारा अकेलापन नपुंसक बनाता है, नपुंसक बनाता है, मार्क्स का कहना है उसके अनुसार उनका, लेकिन उसको तोड़ना होगा, उस अकेलेपन को तोड़ना होगा तो वो क्रिएटिव बन सकता है। लेकिन अब निर्मल को देखिए, यानी मुक्तिबोध कहते हैं कि जो अकेलापन है वह जेन्युइन है लेकिन वह हमें नपुंसक बनाता है, अब वो तोड़ना और उसको तोड़ेंगे तब जाके हम हमको एक्सप्रेशन मिलेगा, तब अभिव्यक्ति मिलेगी, तब गति मिलेगी। ये मार्क्सवादी होने का उनको दिखाई पड़ा कि ऐसा ठीक है। और ये निर्मल लिखते हैं वो भी इसी तरह की मिलती जुलती बात लिखते हैं कि अकेलापन परिस्थिति के स्तर पर दुर्भाग्य है, अभिशाप, यही अभिशाप शब्द प्रयोग किया, अकेलापन परिस्थिति के स्तर पर दुर्भाग्य, लेकिन सार्थकता के स्तर पर सौभाग्य है।
देखिए एकदम उलट हो गया ना। तो आइडियोलॉजिकली जब हम विचार करते हैं तो एक ही चीज वही अकेलापन निर्मल में है। मैं मानता हूँ कि वो अकेलापन है जो नौकरी पेशा समाज है उससे निकला हुआ है, अस्तित्ववाद तो उसमें लगा हुआ छाँव, लेकिन ये हमारे समाज की भी वास्तविकता है। एक ही सामाजिक शक्ति आइडियोलॉजी के कारण जो चीज अभिशाप है वो उनको वरदान लगती है और मुक्तिबोध को लगता है कि जो सिचुएशन है सच है लेकिन वो नपुंसक बनाता है, उसको मार्क्सवादी आइडियोलॉजी से तोड़ा जा सकता है। समाज को समाज के संपर्क में आना होगा, समाज के शक्ति में आना होगा। तो उनकी कहानियाँ तो जो इसलिए इसलिए ज़्यादा मतलब प्रभावित करती हैं आज से अंत तक, क्योंकि जो अकेलापन अब जैसे मान लीजिए वो उनकी जो कहानी है क्या नाम है उसको मैं भूल रहा हूँ, बड़ी मशहूर कहानी है, अब खैर फोन पर पूछ लीजिएगा मुझे याद ही नहीं आ रहा है। सब नॉवल है सर या नहीं? नहीं कहानी कहानी है, नामवर जी ने उस पर परिंदे है परिंदे परिंदे ही हाँ परिंदे परिंदे। अब परिंदे कहानी से लेकर और बाद तक हमारे समाज में एक रिलेशन आ रहा है, एक अकेलापन आ रहा है और मतलब ऐसा लगता है कि समाज से एलिनेटेड हैं लेकिन उससे जुड़ने का कौन सा तरीका होना चाहिए वो तरीका खोजना पड़ेगा आपको, समाज से जुड़ना पड़ेगा। लेकिन समाज से मुक्तिबोध तो खोज लेते हैं आइडियोलॉजी में, ये आइडियोलॉजी में नहीं खोजना चाहते, यानी खास करके मार्क्सवादी आइडियोलॉजी में नहीं खोजना चाहते, तो वो खोजने चले जाते हैं संन्यास या एक ऐसे जोन में चले जाते हैं, उन्हीं का शब्द है, एक ऐसे साइलेंस जोन है उसमें चले जाते हैं। तो अब वो हम लोगों के पहुंच से बाहर हो जाए, हम वहाँ नहीं पहुँचे। तो और इसीलिए मतलब ये समस्या ऐसी है कि 1959 में जो आदमी के आत्मपरायापन के रिलेशन के प्रॉब्लम थे आज तक चल रही है, तो वो कंटिन्यू कर रही है, परिवर्तन बहुत आया है लेकिन ये कंटिन्यू कर रहा है, ये प्रॉब्लम छूटी नहीं पड़ी है। इसलिए कभी इसलिए उनकी कहानियों में लगता नहीं कि झूठापन आया। अच्छा इसके अलावा दूसरी बात एक और भी कि उस आदमी की जो आशा है वो भाषा निर्मल जो नहीं जानते हैं, लेखक नहीं जानता है जिसे, उसकी भाषा उसे पकड़ लेती है। यानी जो सच्चाइयाँ निर्मल साहब उसको माने ना माने जाने ना जाने तब भी लैंग्वेज पकड़ लेती है। अब जैसे कोई भी किताब आती है आलोचना की किताब, लैंग्वेज देख कर ही मालूम हो जाता है कि अरे नई सच्चाई पकड़ी, तो भाषा पकड़ लेती है सच्चाई को। निर्मल के पास जो भाषा है मैंने लिखा है एक बात कि वो सिर्फ निर्मल की विशेषता नहीं है और सिर्फ नई कहानी की ही विशेषता नहीं है, वह हिंदी की उपलब्धि है, पूरे आधुनिक युग की हिंदी की उपलब्धि है निर्मल की भाषा। बड़ी ताकतवर भाषा है और बड़े सूक्ष्म नुआंसेस को पकड़ने वाली भाषा है जो बहुत जो निर्मल की बहुत बड़ी उपलब्धि है।